नमस्कार, किचन सेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई प्याज की सब्जी। इसके लिए हम चार प्याज को छीलकर और इस तरह से सारे स्लाइस को अलग अलग कर दिए हैं और प्याज हमारा सब्जी बनने के लिए तैयार हो गया है। और 2 दिन की मलाई हम ले लिए हैं, 1 प्लेट मलाई है। तो चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। एक कढ़ाई ले लिए हैं हम और गर्म कढ़ाई में डाल रहे हैं 1 चम्मच तेल। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है हमें, गरम तेल में डाल दिए 1/4 चम्मच जीरा और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और इस प्याज को डाल देंगे। अब हम डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक अब हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ। तो देखिए प्याज हमारा थोड़ा सा नरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मसाला हमारा भून गया है। अब हम अपनी मलाई को इसमें डाल देते हैं। अब मलाई हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर कुक होने देंगे। फ्लेम को तेज कर देंगे। 2 मिनट हो गया है, अब हम इस ढक्कन को हटाते हैं। देखिए हमारे सब्जी से कितना सारा मलाई ने घी छोड़ दिया है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिए हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे, इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। और इसे अच्छे से मिला देंगे और 2 हरी मिर्ची को डाल देंगे। सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब हम सब्जी को सर्व कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।